जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। मैं परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान सुशील चंद्रा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में जम्मू कश्मीर के परिसीमन के इस बड़े कार्य को पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों के लोगों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से इस परिसीमन आयोग ने मुलाकात की और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं या ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष हैं, उनसे भी परिसीमन आयोग के सदस्यों ने लगातार मुलाकात की और अंतोगत्वा एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट परिसीमन आयोग के सदस्यों ने तैयार की है, जिसके लिए परिसीमन आयोग बधाई का पात्र है। मैं हृदय से परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में दो नॉमिनेटेड एमएलएस जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए रखने की सिफारिश की है और साथ ही साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के लिए भी नॉमिनेटेड एमएलएस रखने की, जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनका नॉमिनेशन हो, इसकी सिफारिश उन्होंने की है। और मुझे विश्वास है कि ये दोनों महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं ये आगे चल के कानून की शक्ल लेंगे। जम्मू कश्मीर में 24 असेंबली की सीटें आज भी जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली में रिक्त पड़ी हैं। और कश्मीरी पंडित जो पिछले 30-35 वर्षों में विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा निर्णय इस परिसीमन आयोग की सिफारिश में हुआ है। मैं हृदय से जम्मू कश्मीर विधानसभा के गठन को लेकर जो परिसीमन आयोग ने कार्य किया है, उसके लिए परिसीमन आयोग को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सभी जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जो सभी विषय